शेफाली वर्मा की सवेरा ने बड़ा सही नाम दिया, लिटिल डायनामाइट। और कल जब उन्होंने खेला, छोटी सी हैं और क्या खेलती हैं, ऐसा लगता है कि सहवाग री इनकार्नेट हो गए हैं और वो चौके और छक्के उस तरह आके मार रहे हैं। द काइंड ऑफ द पावर, छोटा पटाखा। और साथ में सुमित्री मंदाना ने जिस तरह सवेरा खेला है, एक बहुत स्टेबल, ऐसा लग रहा था कि ऐसी ही बड़ी मंझी हुई खिलाड़ी हैं और पता नहीं कितने साल से बैटिंग कर रही हैं। और जिस तरह उन्होंने इस पिच के ऊपर बैटिंग की है, बड़ी खूबसूरत ओपनिंग जोड़ी थी दोनों की। लड़के तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिया की लड़कियां भी किसी से कम नहीं। पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, ये हिंदुस्तान वाले खाते क्या है, ये करते क्या है, ये वजूहत क्या है, ये भाईजान धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, ये तो कहते हैं हम किसी के। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम तो काबिले तारीफ थी ही, लेकिन अब इंडियन वुमेन टीम ने भी खुद को मनवाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी अवाम का स्मृति मंधाना की सेंचुरी पर क्या कहना है और वो उन्हें कितना अप्रिशिएट करते हैं, आइए जानते हैं। लक ऐसा रहा था कि जब वो अपनी ड्राइव्स खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद सौरव गांगुली और सईद अनवर जैसा उनके अंडर टच आ रहा था। और वैसे ही लेफ्ट हैंडर्स को सवेरा बैटिंग देखना बड़ा खूबसूरत होता है, क्या खूबसूरत लगते हैं जब लेफ्ट हैंडर्स अपनी कवर ड्राइव्स खेलते हैं या वी के अंदर खेलते हैं, तो वो जो शॉट्स बनते हैं और उनके जो बॉडी एक्शन बनता है वो इतना खूबसूरत होता है। और लेफ्ट हैंडर्स को वैसे ही जब वो फ्लो के अंदर होते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगते हैं। और साथ में अगर शेफाली वर्मा जैसा डायनामाइट आपके साथ हो, और इस यूथ के अंदर जितना उस बच्ची के अंदर क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है, जितना वो निडर होके खेल रही थी, जिस तरह के वो शॉट्स अटेम्प्ट कर रही थी, दैट वाज सो 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 ब्रेव ऑफ हर। यही बात स्मृति मंधाना को आप देखें, इंडिया की ओपनर, मतलब कि वो स्मृति लड़की ने क्या जबरदस्त इनिंग्स खेली, ऐसा लग रहा है जैसे औरतों का ऋषभ पंत खेल रहा हूँ। और अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूं तो क्या क्या अचीव नहीं कर रहा इंडिया, शर्म आनी चाहिए यार, कोई मतलब गैरत के कोई कैप्सूल अगर मिलते हो तो इन लोगों को खिला दो यार। दो स्टार है वर्ल्ड क्रिकेट के, वुमेन्स में स्मृति मंधाना और मेंस में विराट किंग कोहली की बात होती है, हमारी पाकिस्तानी लड़कियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स कैपिटल के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज इंडिया वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच टेस्ट मैच चालू हो गया और दोस्तों इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही कमाल लाजवाब स्टार्टिंग किया, जिसमें दोस्तों स्मृति मंधाना ने 149 रनों की पारी खेली है। वहीं दोस्तों शेफाली वर्मा अभी भी पारी खेल रही है और दोस्तों जिस तरह से ज़बरदस्त पारी खेल रही है दोस्तों, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा इसमें शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की जमकर तारीफ कर रही है। जी दोस्तों, ये दोनों बल्लेबाजों ने आज मिलकर दोस्तों 150 से ऊपर रन बनाया है और जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया यही बोल रही है कि भारत की लड़कियों से सीख लो, हमारे वहाँ के क्रिकेटर जितने भी हैं, क्रिकेटर जो हैं एक घंटा बाबा राजा में ये भी हमारे वहाँ है, ये सीख ले कि भारत की लड़कियाँ किस तरह से क्रिकेट खेलती है, अगर भारत की लड़कियों से क्रिकेट खेलना सीख जाओगे तो तुम अच्छा क्रिकेट खेलोगे। जी हाँ दोस्तों, भारत की लड़कियाँ इसमें बहुत ही काबिल तारीफ क्रिकेट खेल रही हैं। दोस्तों ओडीआई में भी, पिछले ओडीआई में भी दोस्तों स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने अच्छी पारी खेली थी, जहाँ पर उन्होंने शतक की पारी लगाई थी। दोस्तों स्मृति मंधाना ने लगातार 2 शतक लगाया था, लेकिन दोस्तों आज टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दोस्तों इस टेस्ट मैच में भी स्मृति मंधाना ने साबित कर दिया कि उनके पास कितना दोस्तों टैलेंट है, कितना टैलेंट से वो खेलती हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे ODI हो, तीनों फॉर्मेट में बहुत ही जबरदस्त खेलती हैं। दोस्तों अभी शेफाली वर्मा ने भी साफ जाहिर कर दिया कि वो T20 के अलावा टेस्ट भी खेल सकती हैं, जितना अच्छा वो T20 खेलती हैं उतना अच्छा टेस्ट भी खेल सकती हैं। दोस्तों आगे और भी देखते हैं कि पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आता है, इसलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों देखते हैं कि पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। शेफाली वर्मा की सवेरा आपने बड़ा सही नाम दिया, लिटिल डायनामाइट। और कल जब उन्होंने खेला, छोटी सी हैं और क्या खेलती हैं, ऐसा लगता है कि सहवाग री इनकार्नेट हो गए हैं और वो चौके और छक्के उस तरह आके मार रहे हैं। द काइंड ऑफ द पावर, छोटा पटाखा। और साथ में सुमित्री मंधाना ने जिस तरह सवेरा खेला है, एक बहुत स्टेबल, ऐसा लग रहा था कि ऐसी ही बड़ी मंझी हुई खिलाड़ी हैं और पता नहीं कितने साल से बैटिंग कर रही हैं। और जिस तरह उन्होंने इस पिच के ऊपर बैटिंग की है, बड़ी खूबसूरत ओपनिंग जोड़ी थी दोनों की। और जितनी बात की जाए शेफाली वर्मा की उतनी कम होगी। स्मृति मंधाना जो है वो हमेशा, शी इज बीन ऑलवेज रिलायबल, और वो क्योंकि पिछले 2 सालों में जो है वो यूके में बहुत खेली हैं, तो इस वजह से भी वो जो फ्लो दिख रहा था उनका, इस वजह से दिख रहा था बिकॉज वो अच्छी खासी एक्लेमेटाइज्ड है। लक ऐसा रहा था कि जब वो अपनी ड्राइव्स खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद सौरव गांगुली और सईद अनवर जैसा उनके अंडर टच आ रहा था। और वैसे ही लेफ्ट हैंडर्स को सवेरा बैटिंग देखना बड़ा खूबसूरत होता है, क्या खूबसूरत लगते हैं जब लेफ्ट हैंडर्स अपनी कवर ड्राइव्स खेलते हैं या वी के अंदर खेलते हैं, तो वो जो शॉट्स बनते हैं और उनके जो बॉडी एक्शन बनता है वो इतना खूबसूरत होता है। और लेफ्ट हैंडर्स को वैसे ही जब वो फ्लो के अंदर होते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगते हैं। और साथ में अगर शेफाली वर्मा जैसा डायनामाइट आपके साथ हो,
और इस यूथ के अंदर जितना उस बच्ची के अंदर क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है, जितना वो निडर होके खेल रही थी, जिस तरह के वो शॉट्स अटेम्प्ट कर रही थी, दैट वाज सो 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 ब्रेव ऑफ हर। पूरी इनिंग जो है ना अली, वो पूरी इनिंग वाकई एक अच्छी एंडिंग डिजर्व करती थी, बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दैट लिटिल गर्ल, बिकॉज जितना अच्छा वो खेली है, होता है एक आधा वो लग रही थी नर्वस उस बॉल से पहले ना, वो थोड़ी सी नर्वस लग भी रही थी। नर्वस 90s बड़े बड़ों पे गुजरा है अली, नर्वस 90s जो है ना, इंडिया के लड़के तो अच्छा कर ही रहे हैं लेकिन इंडिया की लड़कियां भी किसी से कम नहीं। हमारे लड़के इधर जो है वो अलग लगवा के बैठे हुए हैं, लड़कियां तो हमारी, हम अपनी लड़कियों से तो एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते, और हमारे लड़के अलग लगवा के बैठे हुए हैं, लड़कियां क्या करेंगी हमारी। उधर इंडिया के लड़के देख लो, कुट्टी मंदाना की बैटिंग देखो, जुमाइमा की बैटिंग देखो, और जुमाइमा की बेहतर कवर ड्राइव है बाबर आजम से, जुमाइमा की बेहतर कवर ड्राइव है बाबर आजम से, निकाल के देख लो, निकाल के स्मृति मंदाना देख लो। और भाईजान अगर क्रिकेट में विराट कोहली की बात होती है ना मेंस में, तो वुमेन्स में स्मृति मंदाना की बात होती है। ये दो स्टार है वर्ल्ड क्रिकेट के, वुमेन्स में स्मृति मंदाना और मेंस में विराट किंग कोहली की बात होती है। हमारी पाकिस्तानी लड़कियां क्या कर रही हैं इधर, हमारे लड़कों के हल लग रहे हैं ना, हमारे लड़के जीत रहे हैं ना हमारी लड़कियां जीत रही हैं, और हम लोग हैं कि सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बाबर जितना बुरा खेल ले, बाबर जितना बुरा खेल ले, बाबर को ये लोग बैक करेंगे। पता नहीं क्यों इनको समझ नहीं आती, पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, ये हिंदुस्तान वाले खाते क्या है, ये करते क्या है, ये वजूहत क्या है, ये भाईजान धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, ये तो कहते हैं हम किसी के से कम नहीं, व्हाट इज दिस, और जिंदाबाद शाबाश, आज आपने दिल खुश कर दिया। काश के परसों जो 26 तारीख आए हमारे भी दिल ऐसे ही खुश हो कि इधर से आप साउथ अफ्रीका की गर्दन पकड़े। भाईजान जब मैच शुरू हुआ तो मजा आया अलग, और आज तारीख रकम की आपसे कहा था ये जीत जाएंगी, और रात को ही कह दिया था आपसे के स्कूल से जीत जाएंगी, तो वही हुआ जनाब। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हरमनप्रीत कौर, आपकी टीम BCCI हिंदुस्तान के अवाम को, और जहां जहां भी क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट के चाहने वाले हैं, क्रिकेट को देखने वाले हैं। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये बहुत जरूरी है, जब तक औरत माँ है, औरत बहन है, औरत वो गोद है जहां से आप अपनी पहली शिक्षा, पहला आप सीख के निकलते हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, आपका मोहसिन अली चैनल की तरफ से। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम तो काबिले तारीफ थी ही, लेकिन अब इंडियन वुमेन टीम ने भी खुद को मनवाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी अवाम का स्मृति मंदाना की सेंचुरी पर क्या कहना है, और वो उन्हें कितना अप्रिशिएट करते हैं, आइए जानते हैं। नूरुल ईमान, स्मृति मंदाना सेंचुरी बनाई है, क्या कहेंगी? देखिए शी इज माय मेंटो, आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट उनको देख के, ठीक है, मैंने उनके सारे मैचेस देखे हैं, बट सेंचुरी बनाना इज वेरी ग्रेट थिंग मेरे ख्याल से, एंड स्पेक्टेकुलर। उसके बाद जब आप मुकाबला शुरू करते हैं तो देन आप देखें कि स्मृति मंदाना आपको बताती है कि ये विकेट बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल आइडियल है, और अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूं तो क्या क्या अचीव नहीं कर रहा इंडिया, शर्म आनी चाहिए यार, कोई मतलब गैरत के कोई कैप्सूल अगर मिलते हो तो इन लोगों को खिला दो यार। ये मतलब रमीज भाई कहते हैं, अभी ये 3 महीने पहले भी कह रहे थे मैं विमेंस क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का नोटिस लूंगा, उसके बाद ये कह रहे थे मैं खवातीन की जो है वो PSL करवाऊंगा। अरे कौन सी PSL है जो ये करवाना चाह रहे हैं, और ये कहां करवाएंगे, किस मैदान में करवाएंगे, इनके लिए कौन सा ग्राउंड बना के दूं यार, मतलब यार ये क्या आटा आटा वाटा गूंदे ना ये यार, यार मतलब शिफाली वर्मा मंदाना इनसे मैच करने के लिए आपने रखी, वो बिचारी उसको ग्लूकोज की बोतलें चढ़वाओ यार, वो मुनीबा वगैरह को छोटी छोटी बच्ची आपने रख ली है यार खेलने के लिए। यार एपिक इसमें ये है कि बाबर आजम से ज्यादा स्ट्राइक रेट है उसका आज, किसका, मंदाना का बहुत ज्यादा है 150 स्ट्राइक रेट, अच्छा यानी कि विराट कोहली से भी ज्यादा है, चलो बस खुश हो जाओ तुम लोग भी, अच्छा। यूनिवर्सल लाना थे मतलब बिल्कुल, आज के मैच के कुछ मिसाल में यार सिर्फ इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ औरतें, कुछ भी नहीं मेरे पास इसके ऊपर कोई बात करने को नहीं है, कुछ भी नहीं, वाह मतलब इतने डिसअपॉइंटेड हैं या आपका दिल ही नहीं जा रहा, देखा ही नहीं मैंने डिसअपॉइंटेड क्या, अबे देखेगा तो आदमी डिसअपॉइंट, आपने हाईलाइट पैकेज तो देख लिया है ना कि किस तरह से मारा है, किस तरह से धोया है, किस तरह से पीटा है। मैं अब आप इस तरह से मैचेस हारेंगे भाई, मैं तो बहुत रेयर बात करता हूं ना, इतनी हाइप क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने ये अंजाम नहीं सोचा था, मैंने कहा यार वो टेस्टर था बारबाडोस वाला, ये कम से कम लड़ाई होती है, पाकिस्तान इंडिया की आर्च राइवलरी थी, इन दिनों के लिए ही कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है वो क्रिकेट को बहाल किया गया था कि यार यहां से कोई अच्छी खबर आएगी, मुझे हार का अफसोस नहीं है, मुझे ये जो मैच
तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से शेफाली वर्मा की जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि दोस्तों शेफाली वर्मा ने आज बहुत ही शानदार पारी खेली है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया यही बोल रही है कि शेफाली वर्मा कितना जितना टैलेंट है उतना हमारे वहाँ घंटे के किंग में भी नहीं है। जितना दोस्तों आज भारतीय वोमेन जो भारत की लड़कियाँ हैं दोस्तों बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली हैं, चाहे वो स्मृति मंदाना हो, चाहे वो जिमिमा हो, चाहे दोस्तों शेफाली वर्मा हो, कोई भी हो दोस्तों, भारत की हर लड़कियाँ परफॉर्म कर रही हैं और ऐसा परफॉर्म कर रही हैं कि पाकिस्तान के लड़के भी कभी भी नहीं कर पाएंगे इस तरह परफॉर्म जिस तरह से भारत की लड़कियाँ कर रही हैं। इसी को लेकर दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया यही बता रही है कि भारत को देखो, उनके लड़के भी वो वर्ल्ड कप के फाइनल में चले गए हैं और भारत की लड़कियों को देखो ये साउथ अफ्रीका को पेल रहे हैं। जिस तरह से भारत की लड़कियाँ खेल रही हैं ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका 3-0 से सीरीज हार कर चली जाएगी, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम ने ODI सीरीज हरा ही दिया है साउथ अफ्रीका को। और दोस्तों अब टेस्ट की बात है और टेस्ट को भी हरा कर साउथ अफ्रीका को भारतीय टीम एक नंबर वन टीम बन जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।